गुड मॉर्निंग फोर्थ क्लास, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर चैप्टर नंबर थर्ड, इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस। ठीक है, इसमें हम इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस के बारे में पढ़ेंगे। द कंप्यूटर ऑफ नो यूज अनलेस इट इज एबल टू कम्युनिकेट विद द आउटसाइड वर्ल्ड। इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस आर रिक्वायर्ड बाय द यूजर्स टू कम्युनिकेट विद द कंप्यूटर। जो इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस होते हैं वो यूजर जो है कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेट करने के लिए करता है। कंप्यूटर में आप जो डाटा डालते हैं वो इनपुट होता है, ठीक है, और उसके बदले में जो आपने डाटा या जो भी डिटेल उसमें जो भी डॉक्यूमेंट डाला है वो जब आपको रिजल्ट की तरह शो करता है तो वो आउटपुट होता है। तो ये यूज़र जो है इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस का यूज़ जो है ऐसे करते हैं, ठीक है। इन सिंपल टर्म्स इनपुट डिवाइसेस टेक इन इंफॉर्मेशन, इनपुट डिवाइस वो है जो इन्फॉर्मेशन टेक करता है इन द कंप्यूटर एंड आउटपुट डिवाइसेस टेक आउट इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द कंप्यूटर सिस्टम। और आउटपुट डिवाइस जो है कंप्यूटर के अंदर से सिस्टम आपको देता है, ठीक है। दीज इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेज आर ऑल्सो नोन एज पेरीफेरल्स, ठीक है। इनपुट और आउटपुट डिवाइसेज को पेरीफेरल्स भी बोलते हैं, सिंस दिस सराउंड द CPU एंड मेमोरी ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम। और ये सब जो है जो भी ये जो इनपुट आउटपुट डिवाइसेज है ये सब CPU के अंडर जो है ये सारी चीज़ें उसके अंडर होती है, ठीक है। कीबोर्ड इज द मोस्ट कॉमनली यूज इनपुट डिवाइसेज, इट इज अ टेक्स्ट बेस्ड इनपुट डिवाइस दैट अलाउज द यूजर टू इनपुट डाटा, ठीक है। कीबोर्ड क्या है, एक इनपुट डिवाइस है, क्योंकि जब भी आप कोई डाटा या कोई भी डॉक्यूमेंट डिटेल उसके अंदर डालते हैं तो आप कीबोर्ड से ही टाइप करके डालते हैं, तो आप इसके थ्रू डालेंगे, तो ये क्या है, इनपुट डिवाइस है। इट हैज़ जनरली 104 कीज, इसके 104 कीज होते हैं। अ कीबोर्ड हैज़ अल्फाबेट कीज, न्यूमेरिकल कीज, फंक्शनल कीज, पंचेक्शन कीज, सिंबल कीज, स्पेशल करेक्टर कीज, क्यूरसर कंट्रोल कीज, कर्सर कंट्रोल कीज, ठीक है। तो ये इस टाइप इतने सारे जो है कीज़ उसके अंदर अवेलेबल होते हैं, क्योंकि कंप्यूटर को जो है इंस्ट्रक्शन आप कीबोर्ड के थ्रू ही देते हैं। आपको कोई प्रोग्राम खोलना है या क्लोज करना है तो आप ये सब कंप्यूटर के कीबोर्ड के थ्रू करते हैं, ठीक है। एज यू प्रेस अ की ऑन द कीबोर्ड यू कैन सी द करेक्टर अपीयर्स ऑन अ मॉनिटर स्क्रीन। जो भी आप जो है की प्रेस करते हैं कीबोर्ड का उसी के हिसाब से जो है आपको अपीयर होता है उसके मॉनिटर पर, ठीक है। कीबोर्ड्स आर अवेलेबल इन डिफरेंट डिजाइंस एंड हेल्प इन टाइपिंग वर्ड्स, नंबर्स और स्पेशल करेक्टर्स। कीबोर्ड जो है वो भी अलग अलग डिफरेंट डिजाइंस के होते हैं, जो कि आपको टाइप करने में नंबर्स और स्पेशल करेक्टर्स भी जो है उसमें डिफरेंट होते हैं, ठीक है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। माउस, द माउस इज अ स्मॉल डिवाइस विच इज़ यूज टू पॉइंट अ पर्टिकुलर प्लेस ऑन द स्क्रीन एंड सेलेक्ट इन ऑर्डर टू परफॉर्म ऑन और माउस एक्शन। जो माउस है वो क्या है, एक स्मॉल डिवाइस है, आपने देखा होगा, ठीक है। आप किसी भी पर्टिकुलर प्रोग्राम को या पॉइंट करने के लिए माउस का यूज़ करते हैं, क्योंकि जब आप माउस को मूव करते हैं तो कंप्यूटर के मॉनिटर पे एक एरो मूव हो रहा होता है, ठीक है, क्योंकि वो एरो जो है इस माउस के मूव करने से मूव होता है, तो आपको ओपन करने के लिए भी जो है माउस का यूज़ करना होता है, ठीक है। चलिए आगे पढ़ते हैं। माउस इज मूव्ड ओवर अ फ्लैट सरफेस यूजली अ माउस पैड, ठीक है। माउस पैड होता है एक माउस को रखने के लिए और इसी पर आप माउस को मूव करते हैं, ठीक है। इट हैज़ टू बटन्स एंड स्क्रोल व्हील, इसके दो बटन होते हैं और एक स्क्रोल व्हील होती है बीच में, जो स्क्रीन को ऊपर नीचे करने के लिए यूज़ की जाती है। द माउस पॉइंटर मूव्स इन द सेम डायरेक्शन एज द माउस, और जो माउस पॉइंटर होता है वो भी ऐसे ही मूव करता है जैसे आप माउस को माउस पैड पे मूव करते हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ माउस आर अवेलेबल इन द मार्केट, डिफरेंट टाइप्स के माउस भी अवेलेबल होते हैं मार्केट में, जैसे कीबोर्ड होता है। द ट्रेडिशनल माउस हैज अ बॉल अंडर बेंथ एंड इट रोल्स एज द माउस मूव अक्रॉस द माउस पैड, और जो है पुराने टाइम में जो ट्रेडिशनल माउस होता है उसमें क्या होता है, इसके अंदर जो है एक बॉल होता है, ठीक है, वो जो है रोल करने के लिए यूज़ किया जाता है। ऑप्टिकल माउस यूज द रेड लाइट एंड लेजर माउस यूज लेज़र लाइट, ठीक है। ऑप्टिकल माउस में जो है रेड लाइट होती है, लेकिन जो लेज़र माउस होता है उसमें लेज़र लाइट होती है। टू ट्रैक द मूवमेंट ऑफ माउस, माउस के मूवमेंट को ट्रैक करने के लिए ऑप्टिकल माउस एंड लेज़र माउस आर मोर एक्यूरेट एंड रिलेबल देन ट्रेडिशनल माउस। और ये जो ऑप्टिकल और लेज़र माउस होते हैं ये आज कल और ज़्यादा जो है बेस्ट होते हैं ट्रेडिशनल माउस के कंपेयर में, ठीक है। जॉयस्टिक, अब ये जॉयस्टिक क्या है, जॉयस्टिक इज अ वर्टिकल स्टिक विच मूव्स द ग्राफिक कर्सर इन अ डायरेक्शन द स्टिक इज मूव। इट हैज बटन ऑन द टॉप दैट इज यूज टू सेलेक्ट द ऑप्शन पॉइंटेड बाय द कर्सर। अब जो है जॉयस्टिक जो है ग्राफिक कर्सर को जो है किसी भी डायरेक्शन में मूव करने के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है। और जो है जॉयस्टिक जैसे आप मूव करोगे तो उस हिसाब से जो है उसमें पॉइंटर जो होता है वो भी मूव करता है, ठीक है। आपने देखा होगा वीडियो गेम जो है सेलेक्ट करने के लिए, वीडियो गेम जो है जब आप खेलते हैं तो उसमें होता है ना कि दूर से आप जो भी जैसे आप जॉयस्टिक को मूव करेंगे वैसे ही अंदर जो है उस कंप्यूटर के अंदर जो है मूव होगा, ठीक है, इनपुट डिवाइस, ठीक है। तो जॉयस्टिक इज यूज एज एन इनपुट डिवाइस, इसीलिए जो जॉयस्टिक क्या है एक इनपुट डिवाइस एंड इज प्राइमरीली यूज विद वीडियो गेम्स में इसका यूज़ होता है। ट्रेन
ट्रेनिंग सिम्युलेटर्स एंड कंट्रोलिंग रोबोट्स, और कंट्रोल रोबोट्स को कंट्रोल करने के लिए, ठीक है, और वीडियो गेम्स में इसका यूज़ होता है. ठीक है, अब हम आगे पढ़ते हैं. टच स्क्रीन, टच स्क्रीन अलाउज द यूज़र टू एंटर इनपुट बाय सिंपली टचिंग द डिस्प्ले स्क्रीन. टच स्क्रीन क्या होता है, जिसमें आप जो है आपको जो भी चीज़ ओपन करनी है उसमें डायरेक्ट आप स्क्रीन को टच करके उसको ओपन कर सकते हैं. इट रिकॉर्ड्स द इनपुट व्हेन अ फिंगर और अदर ऑब्जेक्ट कम्स इन कॉन्टैक्ट विद द स्क्रीन. और ये जो है इनपुट अपने आप उसका जो है आप खुलता है, क्योंकि जैसे ही वो कोई फिंगर या कोई भी ऑब्जेक्ट उसको लगता है कि उसकी स्क्रीन से टच हो रहा है, तो वो चीज़ जो है अपने आप वो वर्क करने लगती है, ओपन हो जाती है. हैंस योर फिंगर और द ऑब्जेक्ट एक्स एज द पॉइंटिंग डिवाइस. और इस टच स्क्रीन में जो आपका फिंगर होता है या कोई ऑब्जेक्ट होता है वो पॉइंटिंग डिवाइस की तरह वर्क करता है. टच स्क्रीन आर यूज इन ATMs, एग्जीबिशंस में और ATMs में जो है टच स्क्रीन का यूज़ किया जाता है. ठीक है, अब जब आप कभी ATM जाओ तो नोटिस करना कि टच स्क्रीन वहाँ पे कहाँ यूज़ होगी. चलिए हम आगे पढ़ते हैं. ट्रैक बॉल, अ ट्रैक बॉल इज़ अ सिमिलर टू अ माउस बट इज माउंटेड इन अ फिक्स्ड पोजीशन टू यूज इट स्पिन द बॉल विद फिंगर्स टू मूव द पॉइंटर ऑन द स्क्रीन. अ ट्रैक बॉल इज नॉर्मली यूज इन लैपटॉप कंप्यूटर. अ ट्रैक बॉल हैज़ टू और थ्री बटन्स. जो ट्रैक बॉल होता है इसका यूज़ माउस की तरह ही होता है सिमिलरली. ठीक है, जो है पॉइंटर की तरह जो है इसका यूज़ किया जाता है, और इसका यूज़ ज़्यादातर लैपटॉप में होता है, चलिए लैपटॉप कंप्यूटर में होता है. ठीक है, इसमें भी थ्री बटन्स होते हैं, टू बटन्स और एक बॉल होता है. ठीक है, नेक्स्ट है स्कैनर. स्कैनर इज एन इनपुट डिवाइस विच इज़ यूज फॉर डायरेक्ट डाटा एंट्री फ्रॉम द सोर्स डॉक्यूमेंट इन टू द कंप्यूटर सिस्टम. इट कन्वर्ट्स द डॉक्यूमेंट इमेज इन टू डिजिटल फॉर्म सो दैट इट कैन बी फेड इन टू द कंप्यूटर. जो स्कैनर होता है वो तो जो स्कैनर होता है इसका फंक्शन क्या होता है कि ये जो भी आपने कोई भी पिक्चर जो है या कोई भी आपने कोई भी पेपर के अंदर डाला, सॉलिड के अंदर डाला, कोई भी डॉक्यूमेंट डाली, तो वो उसको इमेज में कन्वर्ट कर देता है. ठीक है, तो ये इसका मेन फंक्शन होता है स्कैनर का. कैप्चरिंग इन्फॉर्मेशन लाइक दिस रिड्यूसेस द पॉसिबिलिटीज ऑफ एरर्स. और इस तरीके से जो है एरर यानी गलती की जो है गुंजाइश बहुत कम होती है. टिपिकली एक्सपीरियंस ड्यूरिंग लार्ज डेटा एंट्री हैंड हेल्ड स्कैनर्स आर कॉमनली सीन इन बिग स्टोर्स टू स्कैन कोड्स एंड सी प्राइस इन्फॉर्मेशन फॉर ईच ऑफ द आइटम्स. और जिस स्कैनर का यूज़ ज़्यादातर जो है मार्केट वगैरह में होता है प्राइस देखने के लिए किसी भी ऑब्जेक्ट का, किसी भी थिंग का. ठीक है, और जो जब लार्ज अमाउंट में डाटा एंट्री करनी होती है तो भी इसका स्कैनिंग यूज़ किया जाता है. ठीक है, दीज देर आर टू टाइप्स ऑफ स्कैनर, फ्लैट बेड स्कैनर और हैंड हेल्ड स्कैनर. ठीक है, ये दो टाइप्स के जो स्कैनर होते हैं. नेक्स्ट है लाइट पेन. अ लाइट पेन इज़ अ पेन शेप्ड डिवाइस विच इज़ यूज टू सेलेक्ट ऑब्जेक्ट्स ऑन अ डिस्प्ले स्क्रीन. जैसे फिंगर से ओपन होता है ना, वैसे ही लाइट पेन जो होता है इसका यूज़ भी मॉनिटर पे जो चीज़ आ रही है उसको ओपन करने के लिए लाइट पेन को टच करेंगे तो वो चीज़ ओपन हो जाएगी. इट इज़ क्वाइट लाइक अ माउस. जो है ये थोड़ा बहुत माउस की तरह होता है, बट यूजेस अ लाइट पेन टू मूव द पॉइंटर एंड सेलेक्ट एनी ऑब्जेक्ट ऑन द स्क्रीन बाय पॉइंटिंग टू द ऑब्जेक्ट. लाइट पेन जो है पॉइंटर की तरह काम करता है. आपको कोई भी सेलेक्ट करना होता है ऑब्जेक्ट तो आप लाइट पेन के थ्रू उसको सेलेक्ट करके उसको ओपन कर सकते हैं. यूजर्स ऑफ कंप्यूटर एडिट डिजाइंस यानी जैसे CAD कहते हैं. ठीक है, एप्लीकेशन कॉमनली यूज द लाइट पेन टू डायरेक्टली ड्रॉ ऑन स्क्रीन. जो यूजर्स होते हैं वो कंप्यूटर में जो है कोई भी डिज़ाइन बनाने के लिए, कोई भी ग्राफिक्स क्रिएट करने के लिए इसका यूज़ करते हैं. आगे बढ़ते हैं. बारकोड रीडर. यहाँ से जो हम अपना चैप्टर कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट पार्ट में, तो अभी के लिए इतना ही.